हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर लेक्चर्स। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन सैंपल मीन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फाइव नंबर्स। पांच नंबर दिए हमारे को पॉपुलेशन, जो पांच नंबर पॉपुलेशन के फॉर्म में है। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज टू ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड म्यू एंड सिग्मा। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मीन्स ई ऑफ एक्स बार, दिस वी हैव टू फाइंड। एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मीन्स वी हैव टू फाइंड सिग्मा एक्स बार। ऑलराइट, सो सॉल्यूशन, लेट द गिवन नंबर्स बी एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स फाइव इन टू थ्री सिक्स एट इलेवन को मैंने ये नंबर सपोज किए। देयर फोर ए पार्ट म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दिस नंबर्स आर फाइव एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू अप टू फाइव। सो दिस विल बी एड दिस नंबर, टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस एट प्लस इलेवन डिवाइडेड बाय फाइव, दिस विल कम आउट टू बी थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव मीन दिस इज सिक्स। ऑलराइट, दैट इज म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ऑल्सो वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर, दिस इज डिफाइंड लाइक दिस वन, वी नो दिस रिजल्ट। सिग्मा स्क्वेयर दिस इज ई ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वेयर एंड विच कैन बी रिटन एज समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। सो यूजिंग दिस रिजल्ट, एन इन दिस केस इज फाइव, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर फाइव, ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वन माइनस म्यू होल स्क्वेयर फर्स्ट नंबर इफ यू ओपन दिस समेशन, नेक्स्ट विल बी एक्स टू माइनस म्यू होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन कंटिन्यू, लास्ट नंबर इज एक्स फाइव माइनस म्यू होल स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। दिस फर्दर विल इक्वल टू वन अपॉन फाइव, एक्स वन इज टू, टू माइनस म्यू इज सिक्स, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। एक्स टू इज थ्री, थ्री माइनस सिक्स होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन कंटिन्यू, लास्ट नंबर इज इलेवन, इलेवन माइनस सिक्स होल स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, दिस विल कम आउट टू बी 54 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज 10.8। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द पॉपुलेशन, दिस विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ वेरियंस विच बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 10.8 विच इज इक्वल टू 3.29। सो दीज आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ बी पार्ट इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल विद रिप्लेसमेंट, सैंपल ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, दिस इज सैंपल ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट सिंस सैंपल कंसिस्ट ऑफ साइज टू, देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी, फाइव रेज टू पावर टू इज इक्वल टू 25 सैंपल्स ऑफ साइज टू विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। टू मीन्स सैंपल ऑफ साइज टू एंड फाइव इज फाइव, दीज आर द टोटल नंबर्स, राइट? 25 सैंपल्स एंड आई एम गोइंग टू लिस्ट दिस, हाउ दिस विल कम बिकॉज विद रिप्लेसमेंट एज एनी वन ऑफ द फाइव नंबर्स कैन बी
associated with any one of the five numbers in first row. In first row can be associated with any one of the five number in second row. So various combinations of samples of size 2 are means एक बार कोई नंबर हमने सैंपल में लिया, वी कैन अगेन यूज दैट. सो ऑप्शन हमारी भी इस तरह से बनेंगे, जैसे 2 2 2 3 2 6, राइट? वी कैन रिपीट द नंबर्स. सो फर्स्ट इज लाइक 2 2, सिमिलरली कॉम्बिनेशन 2 3 2 6 2 8 2 11, सिमिलरली 3 3 2 3 3 3 6 3 8 3 11. Next is 6 2, 6 3, 6 6, 6 8, 6 11. Similarly 8 8 2, 8 3, 8 6, 8 8, 8 11. Then combination with 11, 11 2, 11 3, 11 6, 11 8, and finally is 11. 11. We can repeat the number in a sample of size 2. All are sample of size 2. So these are 25 in number, right? So with replacement is there, it means we can repeat the numbers. Even both the numbers can be same, right? Therefore, the corresponding sample means are corresponding sample means कैसे निकालेंगे हम, because sample mean is given like this, summation xi upon n. So in this case all sample are of size 2, so n is 2, so only two numbers will be there, x1 plus x2. So this is average of 2. So how will we find the sample of this first numbers, first pair, first sample? This is 2 plus 2 divided by 2, mean this will come out to be 2. 2 plus 3 divided by 2, this is 2.5. so in this way continue, 2.5. next is 4, 5, 6.5, 2.5, 3, 4.5, 5.5, 7, 4, 4.5. next is 6, 7, 8.5, 5, 5.5, 7, 8, 9.5, 6.5, 7, 8.5, 9.5, and 11. You can see here 11 plus 11 divided by 2 is 11. 11 plus 8 divided by 2 is 9.5. So that is this sample we will denote like this, x1 bar, x2 bar, so on continue, because these are 25 samples of size 2. So this will be x25 bar. This is 25th sample mean x bar. Let us put this to be number 1. So these are the sample means. Now we want to find the mean of these sample means. Therefore, mean of the sampling distribution of means is, इसको हम denote करेंगे न्यू x bar से या e of x bar से, which is equal to sum of all sample means in 1 divided by
टोटल नंबर ऑफ सैंपल मीन्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल मीन्स आर 25, सम ऑफ ऑल सैंपल मीन, फर्स्ट सैंपल मीन था हमारा, अगर हम वन से इक्वेशन से वन से यूज करेंगे, फर्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 2.5, सो ऑन कंटिन्यू इन दिस वे, सेकेंड लास्ट था हमारे पास 9.5 एंड लास्ट इज 11. इफ वी सॉल्व दिस, दिस विल कम आउट टू बी 150 डिवाइडेड बाई 25, सो ये आ जाएगा हमारे पास 6, विच इज सेम एज म्यू एक्स बार, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 6, बिकॉज सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वी नो दीज आर इक्वल एंड म्यू एज वी इवेल्यूएटेड इन पार्ट वन इज 6, एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ सैंपल मीन एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सो दिस टू आर इक्वल एंड सो दिस सर्व एज अ चेक इन दिस कैलकुलेशन. दिस इज दिस वन. नाउ कम टू द सी पार्ट, वेरियंस ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इज, वी विल डिनोट दिस बाय सिग्मा, सॉरी दिस इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार विच विल इक्वल टू ई ऑफ एक्स आई बार माइनस न्यू होल स्क्वायर इन समेशन फॉर्म, बिकॉज टोटल नंबर सैंपल्स आर 25, दिस विल बी समेशन एक्स आई बार माइनस न्यू होल स्क्वायर एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू 25, बिकॉज 25 सैंपल्स आर देयर इन ऑल 25, सो एक्स फर्स्ट इज, दिस इज एक्स वन बार, न्यू इज 6, नेक्स्ट इज एक्स टू बार, न्यू इज अगेन 6, दिस इज फिक्स, सो ऑन कंटिन्यू इन दिस वे, लास्ट इज सैंपल मीन्स एक्स 25 बार माइनस 6 होल स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दिस इज 1 अपॉन 25, फर्स्ट इज 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज 2.5 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड लास्ट इज 11 माइनस 6 होल स्क्वायर सिंस ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैंने सैंपल मीन्स हमने निकाले हैं वो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, राइट. बी सिंप्लीफाई दिस, दिस विल 135 डिवाइडेड बाई 25 एंड दिस विल कम आउट टू बी 5.4. सो दैट इज वेरियंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू 5.4. देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ means is, this will be positive square root of this one, so which is equal to square root of 5.4, this is 2.32, this is what we want to find, which illustrate the fact that for infinite population or finite population having sampling with replacement since, as you can see, experimental value of this one, this is equal to e of x bar minus mu whole square and which is equal to sigma square divided by n. We know sigma square from part A, this is 10.8 that we have evaluated in part A, and n, this is sample of size 2, right, sample size. So substitute the value here, sigma square is 10.8 divided by 2, so this is coming to be 5.4. so you can see here the experimental value of variance of sample mean is 5.4
and actual value that we have evaluated is also 5.4. So this serve as check in this calculation. So these two are equal, just like experimental value sample mean and actual value are equal. These two are equal. So you can see this one and this one are also equal. So this is all about this question. Let's take another example. So this example example exactly similar to example number numerical number one. The difference is only here, instead of with replacement there is a word without replacement. Rest of thing is similar, exactly similar. So let's start solution. Let the given numbers are x1, x2, dash dash, x5, number A part, we have to find mean or expectation. This is equal to summation xi divided by n, and n in this case is 5. Total numbers are 5, these, right? So 2 plus 3 plus 6 plus 8 plus 11, this is 30 upon 5, which is equal to 6. So that is mu is equal to E of x is equal to 6. So mean of population is 6. Also variance sigma square, this is 1 upon 5 summation xi minus mu whole square, right? This is just similar to the previous one. So 1 upon 5, substitute, open this one, this is x1, mu is 6, next is x2, mu is 6, similarly last is x5, mu is again 6, bracket close. Now substitute the value of x1, x2, x3, 1 upon 5, x1 is 2, 2 minus 6, next is 3 minus 6, and last is 11 minus 6, because x1, x2, these are given. If we simplify this, this will come out to be 54 divided by 5, it means this will come out to 10.8, right? Therefore, standard deviation sigma, this is positive square root of sigma square, this is positive square root of 10.8, and this is 3.29. The first part is exactly similar, there is nothing change to the question number one. Right, now come to the B part. Here is the change. Now sample drawn without replacement, this is the change here, without replacement. Since a sample consists of size 2, therefore there are 5c2, which is equal to 10 samples of size 2. Then there is when samples are drawn without a replacement, right? Without replacement, it means in sample of size 2 the both numbers cannot be same, we cannot repeat that, there is without replacement. So what does this mean? That is we draw one number and then another number which is different from first, which is different from first in a sample of size 2, right? So various combinations of sample of size 2 are kya kya ho sakte hain, hum bas number repeat nahi kar sakte. It means 2 3 2 6 2 8 2 11, first is this one, 2 3 2 6
2811। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 36, 38, 311। 32 इज नॉट पॉसिबल। 36, 38, 311। नेक्स्ट ऑप्शन इज 6, 8, 6, 11, 6, 8, 6, 11 एंड लास्ट ऑप्शन इज एंड 8, 11। इफ यू चेक दीज आर 10। सो दीज यू कैन सी इन एवरी सैम्पल ऑफ साइज 2 नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड बिकॉज देर इज विदाउट अ रिप्लेसमेंट। देयरफोर कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल मीन्स आर, इसका निकालने का तरीका वही है जो हमने पहले किया है इन फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन सैंपल इज ऑफ साइज 2, सो एक्स बार विल बी ओनली एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज एन इज 2। सो फर्स्ट हाउ विल बी कैलकुलेट फर्स्ट सैंपल मीन, दिस इज 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 2.5। सिमिलरली 8 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 4, 10 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 5, 2, 4, 5। नेक्स्ट विल बी 6.5, कंटिन्यू दिस वे 4.5, 5.5, 7, 7, 8.5 एंड लास्ट विल बी 9.5। जस्ट एड 8 प्लस 11, 19 बाई 2, 9.5। दैट इज इन सैंपल्स मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स वन बार, एक्स टू बार, सो ऑन कंटिन्यू एक्स टेन बार, बिकॉज देर आर 10 सैंपल मीन्स। लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड mean of these 10 sample means. Therefore, mean of sampling distribution of means is, this will be mu x bar, this is e of x bar, which is equal to sum of all the sample means in equation 1 divided by total number of sample means of size 2, right? Total number of sample means of size 2 are 10, rest we add. So first one was 2.5, next is 4, continue in this way, last was 9.5. since of equation 1, if you solve this one, this will come out to be 60 divided by 10 and this is 6, which is same as mu x bar is equal to e of x bar is equal to mu is equal to 6, because we have evaluated mu in first part. So this is the experimental value of sample mean, mean of sample mean, and this is the actual value of mean of a sample mean jo humne nikala. So this is true. So this calculation experimental सैंपल मीन सर्व एज अ चेक इन दिस कैलकुलेशन, इट मीन्स हमने ये सही निकाला हुआ है। सो दीज टू आर एक्चुअली इक्वल। सी पार्ट वेरियंस ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इज गिवन एज sigma square x bar, this is e of x, this one minus mu whole square, and which is total sample means are 10. So n in this I is varying from 1 to 10. Alright. So this is 1 upon 10, rest is summation xi minus mu whole square. This one. Now open this one. This is 1 upon 10. First is, this is x1 bar, mu is 6. Next is x2 bar, mu is 6. And the last one is x10 bar, mu is 6. Bracket close, big bracket
क्लोज. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. फर्स्ट वन इज 2.5, दिस इज 2.5 माइनस 6. सेकेंड इज 4, 4 माइनस 6. कंटिन्यू इन दिस वे. लास्ट वन इज 11, सॉरी लास्ट वन इज 9.5, 9.5 माइनस 6 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सिंस ऑफ वन, वन हमने यूज किया इसमें बिकॉज दीज सैंपल मीन्स विच आर टाइनी नंबर वी हैव ऑलरेडी इवेल्युएटेड. विच ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव अस 40.5 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस विल कम आउट टू बी 4.05. सो दिस इज द वेरियंस ऑफ द सैंपल मीन. देयरफोर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इज, जिसको हम सिग्मा एक्स बार से डिनोट करेंगे, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4.05 एंड दिस विल कम आउट टू बी 2.01. दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन ऑफ सैंपल मीन विच इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट फॉर पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वेरियंस ऑफ सैंपल दिस वन, दिस इज सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, द डिफरेंस विल बी हेयर. सो सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन इन टू दिस विल बी कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ऑन एन माइनस वन. वी नो पॉपुलेशन साइज इज 5 एंड सैंपल साइज इज 2. 5 नंबर्स आर गिवन एंड सैंपल इज ऑफ साइज 2 एंड सिग्मा स्क्वेयर वी हैव इवैल्यूएटेड इन फर्स्ट पार्ट, दिस इज 10.8. सो वट विल बी दिस, दिस विल बी 10.8 डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 1. सो दिस इज 4.05. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मीन ऑफ द वेरियंस ऑफ द सैंपल मीन एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरियंस ऑफ द सैंपल मीन. सो दीज आर एक्चुअल बोथ आर इक्वल. सो दिस कैलकुलेशन सर्व एज अ चेक इन इन दिस कैलकुलेशन. इट मीन्स ये जो हमने एक्चुअल में निकाला है वेरियंस ऑफ द सैंपल मीन, दिस इज करेक्ट करेक्ट वन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. नाउ कम टू द थर्ड वन. दिस इज थर्ड बट इज गिवन हियर, यू कैन can see here solution but is given here 300 male students in a university. So given capital N population size is 3000 and sample size is 25. This is also sample size is 25 and further mean is given, mean of the population is given to be 68 and standard deviation is also given 3, right? All of these are given. But we have to find mean and standard deviation of sample means if sampling is done with replacement, without replacement, and further we have to find out of 80 samples how many would you expect to have mean between these two and mean less than this one, right? The number of samples of size 25 that could be obtained from a group of 3000 students with placement are as we have seen in first two question,
When the population size is 5, 5 numbers are given and sample size is of 2. So with replacement will be 5 square and without replacement will be 5C2. These are with replacement and these are without replacement. So in this case, population size is with replacement 3000 and sample size is 25. So these will be the, this much will be the number of samples with replacement and without replacement are 3000C25, which are much larger than which are much larger than 80. Therefore we do not get a true sampling distribution of means what only experimental सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यदि इवेल्यूएट दिस वन, दिस इज वेरी 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 लार्ज एंड इफ यू इवेल्यूएट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज. इसको हम लिस्ट, इट्स नॉट इजी टू लिस्ट ऑल ऑफ द सैम्पल्स ऑफ साइज 25 इन दिस केस एंड ऑल ऑफ द सैम्पल्स ऑफ 25 इन दिस केस ऑल्सो, राइट? सो दैट्स वाई, सो एंड दीज नंबर्स विल बी मच लार्ज देन 80 सैम्पल्स एज द number of samples are large, there should be close agreement, there should be close agreement between two sampling distribution. Two sampling distribution means experimental as well as actual that we have evaluated in first two parts. Hence, mean and standard deviation of 80 sample means would be close to those of 0 distribution. Therefore, A part for sampling with replacement, for sampling with replacement, this is with replacement, right? The mean of sampling distribution of means is, because in this case we are not going to find the mean and variance of sampling distribution mean on actual basis. We are going to evaluate only on the experimental basis directly through the formulas, because the sample size is very very large. The number of samples of 25s are very very large, both in case of with replacement and without replacement. Is mu x bar is equal to E of x bar, you know its value is mu, and mu is given to be 68, because mu is 68. So this is the mean of the sample mean also. Also, variance of sample
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, दिस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा इज गिवन टू बी 3, सो दिस इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, राइट, सैम्पल ऑफ साइज इज 25. दिस इंप्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन 25 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.6. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन. नाउ बी पार्ट इज फॉर सैम्पलिंग without replacement, sampling without replacement, mean of sampling distribution of means is mu x bar d of x bar is equal to mu, this is equal to, ये तो वही रहेगा 68. Also variance of sampling distribution of means is sigma square x bar, this is sigma square upon n, इसके साथ additional factor आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस वन, बिकॉज दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व दिस वन, दिस इज थ्री स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 3000 माइनस 25 एंड 3000 माइनस वन एंड विच ऑन सिंप्लीफिकेशन इज 0.357. This implies standard deviation sigma x bar, this is positive square root of sigma square x bar, this is positive square root of 0.357 and this will come out to be 0.597. and if you check these two, this is standard deviation of sample mean with replacement and this is without a replacement, this is slightly less than, which is slightly less than 0.6, it means almost these two are equal. These two are equal. Therefore, means these are almost equal. Therefore, we expect the experimental sampling distribution of means to be approximately normally distributed, because whether the sampling is with replacement or without replacement, mean of sample mean and variance of mean of sample mean are exactly equal and standard deviation of sample are approximately equal. So these are, so experimental sampling distribution of means को हम बोल सकते हैं this is normally distributed. So in third case we have to check out of 80 sample how, first of all write here since, because normally distributed to ho gaya, since mean x bar of samples of sample in standard unit is
गिवन एज, इसको हम कैसे देते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, सब्स्टिट्यूट एक्स बार, दिस इज वी हैव वैल्यूएटेड इन फर्स्ट पार्ट ए पार्ट एंड ए और बी पार्ट इन बोथ एंड दिस ऑल्सो इन ए एंड बी पार्ट, सिंस म्यू एक्स बार इन बोथ पार्ट इज 68, सिग्मा एक्स बार इन बोथ पार्ट इज 0.6 एंड वी नो दिस रिजल्ट ऑल्सो इन जनरल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस इज फॉर एक्स रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज फॉर अ सैम्पल मीन रैंडम वेरिएबल बिकॉज दिस इज ऑल्सो लाइक अ रैंडम वेरिएबल, लेट अस पुट दिस टू बी इक्वेशन नंबर वन. देयरफॉर दिस इज फर्स्ट पार्ट नाउ, सी का फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ अ सैंपल विद मीन बिटवीन 66.8 एंड 68.3, दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन जेड इज इक्वल टू माइनस टू एंड जेड इज इक्वल टू 0.5. दिस इज बिकॉज सिंस फॉर मीन इज इक्वल टू 66.8, फॉर मीन सैम्पल मीन इज इक्वल टू 68.3, इन बोथ केस अगर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूट एक्स बार हियर 66 दिस वन दिस विल कम आउट टू बी माइनस टू, नाउ सब्स्टिट्यूट एक्स बार is equal to 68.3 here in this equation, we will get this to be 0.5. Alright, which in probability form can be written as minus 2 less than z less than 0.5. This is minus 2 and this is 0.5. It means this is area between these two. Area between these two. You can see easily here we can split this into 2 power minus 2 to 0. Minus 2 less than z less than 0 plus 0 to 5 0 0.5, alright, and this by symmetry can be written as 0 less than z less than 2 and this is as it is 0 less than z less than 0.5. this is by normal ये तो हमने normal curve से देखा and this is by symmetry in first term. This is by symmetry in first term. Now we will find the value of both these probability by normal table. You can see here for 0 to z means go through the row 2.0 and below the column 0. This is 4772. This is 0.4772. Similarly, 0 to 0.5 means go through row 0.5. 0, you can see here through the row 0.5 and below the column 0. This is 1915 and this is 0.1915 by normal table. And this will come out to be 0.6687. So this is proportion of one sample with mean between these two, Now we have to find proportion of 80 sample. 80 में से कितने samples का mean जो है इन दोनों के बीच में lie करेगा वो हमने check करना है. Therefore, expected number of samples जिनका mean, तो ये तो 1 के लिए था, 80 के लिए क्या हुआ, multiplied by 80, 0.6687. So this will come out to be 53.4 and which is approximately 53 agar hum isko round off kar lenge, right? It means out of 80 sample we will have 53 samples of size 25 whose mean will lies between 66.8 and 68.3. this is C ka first part. Now come to the second part.
सेकेंड पार्ट प्रोपोर्शन ऑफ कॉस सैंपल विद मीन लेस देन 66.4. सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टू लेफ्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू -2.67. रीजन बीइंग फॉर एक्स बार इस केस में 66.4 है, यू कैन सी हियर. तो दिस इंप्लाइज z कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से. अगर हम x बार की जगह ये वैल्यू रखेंगे 66.4, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस विल कम आउट टू बी -2.67 सिंस ऑफ इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 1 में ये पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी सच दैट z इज लेस देन -2.67. यू कैन सी हियर this is -2.67 and left of this means we want to find this shaded portion, means this probability. So as we know, area of one side of the portion, this is 0.5, right, from -3.9 to 0, because this curve is symmetrical about this vertical line. Other portion ke value 0.5 and next portion ke value 0.5. You can see easily from the curve, if from total 0.5 b subtract -2.67 to 0, we will get the shaded portion. -2.67 less than z less than 0, clear hai? From total one sided portion, if we subtract this one, we will get shaded portion. This is by normal curve. Now this is 0.5. by symmetry this can be written as 0 less than z less than 2.67, because this curve is symmetrical. By symmetry this can be written in this one, this is 0.5. now we have to find this the probability by normal table. By normal table we have to go through the row 2.6 and below the column 7. Go through the row 2.6, this is 2.6 and below the column 7 is 4962. This is 4962. This is 0.4962. This is by normal table, and this one simplification will come out to be 0.0038. This is proportion of a sample. एक sample का proportion है जब mean 66.4 से less हो. तो 80 sample में हमने check करना है. Therefore एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स, एक प्रोपोर्शन में ये सैंपल है तो 80 में क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 0.0038 दिस विल कम आउट विथ 0.304. तो ये तो 0.5 से भी लेस है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स there will be out of 80 sample की बात हो रही थी, out of 80 sample there will be no even a single sample whose mean will be less than 66.4. that is out of 80 samples there will be will not be even a sample whose mean is less than 66.4, whose mean is less than this one. It means 80 sample में जो 80 के 80 samples है सभी का mean 66.4 से ज्यादा होगा. So this is all about some problems on a sample mean. All right.
दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू.